एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टॉर्क। दिस वन टॉर्क इज ओनली एप्लीकेबल फॉर रोटेटिंग बॉडी, मीन्स रोटेशनल मोशन। मतलब ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो लीनियर फोर्स से डिफरेंट है, क्योंकि लीनियर फोर्स में हम लोग सिर्फ क्या देखते थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक है, तो या फिर प्लेन में मूव करता है, तो कुछ इस तरीके से वहाँ पे हम लोग फाइंड करते थे फोर्स को। बट यहाँ पे जो कंडीशन अप्लाई होगा मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए वो सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन के लिए होगा, ओनली फॉर रोटेटिंग बॉडी, ठीक है। तो कंडीशन यहाँ पे ये यह है कि हम लोग यदि इसको एग्जांपल समझें तो बेटर होगा। इसका एग्जांपल है, आप ले सकते हो डोर, डोर को ओपन करना और क्लोज करना, क्लोज और ओपन करना। तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि जब हम डोर को ओपन या क्लोज करते हैं तो उसका जो जो बोल सकते हैं डोर को, डोर जो है वो हिंज से फिक्स होता है एक तरफ। मान लो कि यहाँ पे हिंजेस है, हिंजेस लगे हुए हैं, मतलब कि यहाँ पे चौकट है, चौकट में हिंज लगा हुआ और यहाँ पे आपका डोर है, तो यहाँ पे फिक्स होता है। तो यहाँ पे जब फोर्स आप अप्लाई करते हो, इस किनारे से फोर्स अप्लाई करते हो, तब जा करके वो खुलता है, और फिर या तो वहीं से पुल करते हो तो आपका वो क्या होता है, बंद होता है। लेकिन यदि हिंज के पास से हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मतलब उसके जगह पे फोर्स जाकर अप्लाई करेंगे है तो वो ना खुलेगा और ना ही बंद होगा, ठीक है। तो यही सब स्टोरी को हम लोग को इसमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है मैथमेटिकली और थियोरेटिकली, समझना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। और यदि एग्जांपल के लिए और भी ले सकते हैं, जैसे नट बोल्ट, जैसे गाड़ी में नट कसना, नट को लगाना, तो उसमें नहीं देखते हैं कि बड़ा बड़ा ट्रक वाला ड्राइवर लोग क्या करता है, यदि उसका मान लो ट्रक का टायर को खोलना है तो टायर को खोलने के लिए वो छोटा रेंच का इस्तेमाल नहीं करता, वो बड़ा रेंच लगाता है। एक सबसे पहले एक इतना बड़ा रेंच, उसके बाद बड़ा सा रॉड लगाता है, फिर उसके ऊपर चढ़ जाता है, तब जाकर के खुलता है। और यदि वही छोटा रेंच से खोलेंगे तो नहीं खुलता है, बिकॉज वहाँ पे क्या कंडीशन है उसी चीज़ को समझना है। तो देखो, और वहाँ भी टॉर्क अप्लाई होता है, किस तरीके से उसको समझना है। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस, डिस्टेंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, और वो भी डिस्टेंस कैसा होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका डेफिनेशन की यदि मैं बात करूँ, मोमेंट ऑफ फोर्स आई मीन टॉर्क की बात करूँ, तो इसकी डेफिनेशन होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यदि इसका तुम प्रूफ चाहते हो तो देखो, मैं एक एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से लेता हूँ कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरीके से, और इधर ऐसे पूरा कर दो, और मान लो यहाँ पे इसको हम एक होल कर दिए, स्केल ले लो, होल कर दो और एक पिन डाल दो वहाँ पे, तो ये तो मूव नहीं करेगा कहीं। यदि मैं इस जगह पे फोर्स अप्लाई करूँ, सो सेंटर से सेंटर पे के पास फोर्स अप्लाई करूँ, तो ये क्या रोटेट होगा, नहीं होगा, 100% नहीं होगा। यदि मैं इसके किनारे से, यहाँ से यदि मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ तो ये मूव करेगा। तो यहाँ से यदि मैं फोर्स, मतलब सबसे किनारे में आकर के फोर्स इस पर अप्लाई करता हूँ, तो इसका रोटेशन थोड़ा ज़्यादा मिलेगा आपको, ज़्यादा रोटेशनल फोर्स मिलेगा, मतलब ईजी लगेगा आपको मूव कराने में इसको। मतलब हो सकता है कि 10 न्यूटन फोर्स लगाओ तो ये अच्छा खासा स्पीड ले लेगा, लेकिन वही चीज़ इस सेंटर के जस्ट बगल में यहाँ से तुम फोर्स अप्लाई करोगे तो यहाँ पे हो सकता है जो 10 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ा उसके जगह पे तुमको यहाँ पे 50 न्यूटन फोर्स लगाना पड़े उतना ही स्पीड देने के लिए, ठीक है। तो कंडीशन यहाँ पे क्या है ना कि तुम यहाँ पे यदि अप्लाई उसके जस्ट बगल से आप फोर्स अप्लाई करोगे तो आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, ये प्रैक्टिकल आप करके देख सकते हो। तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितना हम सेंटर से दूर जा रहे हैं, मतलब तो डिस्टेंस जितना बढ़ा रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना बढ़ा रहे हैं, देखो ना फोर्स ऐसे जा रहा है ना, फोर्स ऐसे और डिस्टेंस ऐसे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया वो। तो डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ रहा है उतना उसका जो है सो मोशन भी बढ़ रहा है, जबकि फोर्स को हम क्या रखें यहाँ पे, कॉन्स्टेंट रखें। फोर्स यदि मैं कॉन्स्टेंट रखूँ इस जगह पर, मान लो 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ भी 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, डिस्टेंस क्या है, वेरी करा रहे हैं, डिस्टेंस को वेरी करा रहे हैं। तो डिस्टेंस के बढ़ने से हमारा जो है सो टॉर्क क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि टॉर्क का जो डेफिनेशन होता है ना वो होता है ये चीज़, देखो टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये चीज़, ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वही चीज़ को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो तुम इस जगह पे फोर्स अप्लाई करोगे 100 न्यूटन और यहाँ भी 100 न्यूटन अप्लाई करोगे, तो दोनों कंडीशन में तुम यदि मोशन यहाँ पे देखो ना, तो दोनों कंडीशन में जो टॉर्क होगा, टॉर्क यहाँ पे एक्चुअली मैं एक तरीके से स्पीड ऑफ रोटेशन दिखाता है यहाँ पे,
तो स्पीड ऑफ रोटेशन आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, जितना बड़ा एक्सिस होगा ये वाला, जितना बड़ा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा एक्सिस मतलब टॉर्क दिखाएगा। कैसे देख सकते हो, यदि डिस्टेंस छोटा होगा तो यहाँ डिस्टेंस छोटा होगा तो टॉर्क क्या होगा, छोटा मिलेगा, डिस्टेंस बड़ा तो टॉर्क बड़ा मिलेगा। और ये आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो करके इस तरीके का, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे ये है कि ठीक है, ये तो हम लोग समझ गए थ्योरेटिकली कुछ इस तरीके से। यदि मैं कुछ एंगल पे मतलब डिफरेंट एंगल पे 90 डिग्री से यदि कम एंगल पे रखूँ तो क्या होगा, या फिर 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे रखूँ तो क्या होगा। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि ये 90 डिग्री पे फोर्स जो अप्लाई हो रहा है इस ऑब्जेक्ट पे वो 90 डिग्री पे लग रहा है, और यदि वही 90 डिग्री से कहीं कम पे लगे तो क्या होगा, या फिर ज़्यादा पे लगे तो क्या होगा। तो उस चीज़ को समझते हैं हम लोग। तो देखो, बट उससे पहले इसका सिंबल जान लो। सिंबल होता है टॉर्क का टॉ, इसको टी ए यू बोलते हैं टॉ, ठीक है। टाओ, इसको टाओ पढ़ते हैं, और इसको बोलते हैं फोर्स, ये तो जान रहे हो आप, और डिस्टेंस को डी ले सकते हो इस तरीके से, मतलब टॉ इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। और ये फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और डिस्टेंस का होता है मीटर, दिस इज द न्यूटन मीटर। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपके लिए हो सकता है कि न्यूटन मीटर इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, आप इसको जूल नहीं लिख सकते, ठीक है। इसको न्यूटन मीटर ही आपको लिखना पड़ेगा, इसको जूल नहीं लिख सकते, क्योंकि जूल होता है आपका एनर्जी का यूनिट, और ये एनर्जी का यूनिट नहीं है, किसका है, टॉर्क का है, एक मोमेंट ऑफ फोर्स है, ठीक है, जो रोटेशनल मोशन के लिए अप्लीकेबल है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, वहाँ पे एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, डायमेंशन दोनों का सेम हो सकता है, बट जो क्या बोल सकते हैं, क्वांटिटी दोनों का सेम नहीं है, क्वांटिटी डिफरेंट है, ओके। सो दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको आपको जूल नहीं लिखना है, ये आपको न्यूटन मीटर में होगा। नेक्स्ट, अब आगे बात करते हैं हम लोग इसमें। एक इसका डेफिनेशन और भी होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू, मतलब बोल सकते हैं इसको, टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट, टॉर्क इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट, या तो वेक्टर प्रोडक्ट बोल दो, इट इज़ द वेक्टर प्रोडक्ट, ऐसे बोलो, एट इट इज़ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स। तो यदि ये क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा है, इसका मतलब 100% कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और किस तरीके से है उसको लोग मैथमेटिकली प्रूव करके देखते हैं। तो देखो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला तरीका, तो ये हम बोले कि कुछ एंगल कम किया जाना चाहिए। तो ये फोर्स देखो अभी कुछ इस तरीके से, इसका एक्सिस लाइन ऑफ मतलब ये लाइन है, और ये लाइन ऑफ फोर्स है ना मेरा, ये लाइन ऑफ फोर्स है, तो एंगल यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। इधर भी देख सकते हो अपोजिट एंगल, यहाँ 90 डिग्री दिख रहा है आपको इधर, तो इधर भी 90 डिग्री दिखेगा। लेकिन वही चीज़ हम कम कर दें, मतलब ये फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हम लगाएं, ऐसे फोर्स लगाएं इस तरीके से, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन किधर होगा, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इसको बोलते हैं, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। तो ये इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा, मतलब इधर भी थीटा बना रहा है, तो इधर भी क्या बनाएगा, थीटा एंगल बना रहा है, मतलब थीटा एंगल बना रहा है, मतलब कुछ कम है, 90 डिग्री से कम है। तो उसको कुछ हम लोग इस तरीके से समझते हैं। यहाँ पे देखो दो एक्सिस ले लिए हैं, एक तरफ एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, और उस पर हम उस ऑब्जेक्ट को रख दिए, इतना लंबा कुछ है, एक ऑब्जेक्ट को रख दिए जिसको हमको रोटेट कराना है, कहाँ से, यहाँ से रेफरेंस पॉइंट इसका यहाँ पे मान लेते हैं कि दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, यहाँ पे इसको फिक्स किए हैं, और ये कुछ इस तरीके से रोटेट, फोर्स लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से रोटेट होगा, एंटी क्लॉक या फिर क्लॉक वाइज, अब डिपेंड करता है कि आप फोर्स किस तरह से इस पर अप्लाई करते हो। यदि इधर फोर्स अप्लाई करोगे तो ये ऐसे क्लॉक वाइज मूव करेगा, और यदि आप फोर्स इस तरीके से अप्लाई करते हो तो एंटी क्लॉक वाइज मूव करेगा, ठीक है। तो कंडीशन यहाँ पे ये है कि हम लोग इस पर फोर्स सबसे पहले इस तरीके से लगाने की कोशिश करेंगे। देखो इधर तो ये लगाएंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा ना, तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो उसको तो हम लोग समझ चुके हैं ऑलरेडी। तो ऐसा करते हैं कि ये देखो ये पॉइंट है ना, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसे डॉटेड लाइन से समझने के लिए, इधर डॉटेड लाइन से बढ़ा दिया आगे, और फोर्स जो है सो ये फोर्स, इस पर फोर्स लगा रहे हैं, दिस वन फोर्स, कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट, जो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, उससे उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। मतलब क्यों, क्योंकि ये थीटा एंगल, यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, इसलिए वो भी क्या होगा, थीटा एंगल होगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि अपोजिट एंगल विल बी सेम। तो ये कंडीशन हुआ, और ये जो हम रोटेड लाइन से आपको दिखा रहे हैं, दिस इसको बोलते हैं लाइन ऑफ फोर्स, दिस इज द लाइन ऑफ फोर्स, ये इसी तरीके से ना फोर्स लग रहा है, देख सकते हो इसी लाइन में तो फोर्स लग रहा है, तो ये चीज़ है लाइन ऑफ फोर्स। अब हमको यहाँ पे लाना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो नहीं दिख रहा है क्योंकि फोर्स तो ये हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसको बोलेंगे, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा हमको, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाना पड़ेगा। तो कहाँ से,
जहाँ से ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब ऑब्जर्विंग पॉइंट कहाँ पे है, मेरा ओरिजिन है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो किस तरीके से लेंगे, यहाँ से नॉर्मल गिरा दो, तो यहाँ से हम लोग नॉर्मल ले लेंगे कुछ इस तरीके से, ये रहा। तो ये हमारा हो गया इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब क्या है ये, उसको समझते हैं। एक्चुअल में डिस्टेंस तो यही वाला है मेरा, ये डिस्टेंस तो एक्चुअल में ही है, लेकिन इस ये हमको 90 डिग्री पे नहीं मिल रहा है, और हमको लेना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि टॉर्क का डेफिनेशन ही कहता है कि फोर्स इज इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका डिस्टेंस मैं मान लूँ कि इसका पोजिशन वेक्टर क्या है, मतलब पोजिशन वेक्टर आर है, मतलब आर है उसका डिस्टेंस स्टार्टिंग में। लेकिन अब ये आर हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो इसका दो कंपोनेंट यहाँ पे बन सकता है, एक कंपोनेंट होगा हमारा इधर के लिए, एक होगा इधर के लिए। तो इधर ये देख सकते हो कि एंगल के सामने मतलब परपेंडिकुलर, और ये बेस होगा, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि दिस वन कंपोनेंट विल बी आर का, ये हो जाएगा आर साइन थीटा, और ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमको कंपोनेंट यहाँ से मिल गया। अब हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई करके इसको लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे फोर्स भी मिल गया, डिस्टेंस भी मिल गया। अब इजीली आप यहाँ पे लिख सकते हो इसको, टॉर्क को। तो नाउ वी नो टॉर्क इज इक्वल्स टू, टॉर्क मतलब टॉ है ना, टॉ इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वी नो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो फोर्स को हम लोग क्या माने यहाँ पे, एफ देख सकते हो दिस वन, और परपेंड अब यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट मैग्नीट्यूड में ले लें, तो सब कुछ को यहाँ पे मैग्नीट्यूड में फिलहाल ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो ये चीज़ हो गया, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, आर साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे आर साइन थीटा, मतलब एक्चुअल में एक क्रॉस यहाँ पे मत समझना है, इसको मल्टीपल साइन है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं इसे एफ आर साइन थीटा, एफ आर साइन थीटा। तो क्या हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आर एफ साइन थीटा, या फिर आर क्रॉस एफ ओनली इन द वेक्टर फॉर्म। यदि वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, लिखे हम इसको, तो लिख सकते हैं आर क्रॉस एफ। क्यों? क्योंकि देखो जब क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग हटाते हैं, तो आर क्रॉस एफ क्रॉस प्रोडक्ट को हटाएंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, आएगा ना। तो ये चीज़ हमारा यहाँ पे आ रहा है, इसको मतलब आर एफ साइन थीटा को जाए डायरेक्ट हम इस तरीके से लिख दिए। तो हमको यहाँ से क्लियर हो जाता है कि एक डेफिनेशन तो हम लोग जान गए कि जानते थे कि टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बट अब एक दूसरा डेफिनेशन भी इसका हो गया कि टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एज वेल एज फोर्स। मतलब कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अब यदि चाहो तुम यहाँ पे टॉर्क का डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि यदि ये वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क आपका वेक्टर क्वांटिटी है, और यदि टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किधर डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन देखो किधर होगा, यदि ये एक्स एक्सिस में है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ एक तरीके से कि देख लो, ये जो आप देख सकते, ये हम यदि मान लें इसको वाई एक्सिस, या तो मान लो जेड एक्सिस में है ये, चलो इसको जेड मानते हैं, वो डिपेंड करता है अपने पर हम लोग को कि किधर हम किसको क्या मान रहे हैं। और इधर को मान लेते हैं हम लोग वाई एक्सिस, ये वाई ये जेड, ठीक है। तो टॉर्क किधर होगा, इधर मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इस साइड ये एक्स एक्सिस है, या तो ये जेड है, एक्स है, वाई है, मान सकते हो, नो प्रॉब्लम, इस तरीके से है। तो कंडीशन यहाँ पे ये है कि दो एक्सिस हमको पता है यहाँ पे, एक एक्सिस में है कौन सा, एक एक्सिस में मान लो ये आर जो है, ये कहाँ पे आर साइन थीटा, मतलब यहाँ पे आर को मैं जब बोलूँ कि एक्स एक्सिस में है, और एफ को बोलूँ कि वाई एक्सिस में है, क्योंकि देख सकते हो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये है ना, ये इधर है, ये इधर है। यदि मैं बोलूँ कि ये एक्स एक्सिस में है, सॉरी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस में है, तो 100 ये कहाँ पे मिलेगा आपको, जेड एक्सिस में मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग, मतलब ये सब के अकॉर्डिंग, आर एफ और टो के अकॉर्डिंग, मतलब बोल सकते हैं कि कुछ इस तरीके से कि यदि मेरा फोर्स, फोर्स जो है वो कुछ इधर लग रहा है, इधर एफ इधर लग रहा है, और एक्स एक्सिस में क्या लग रहा है मेरा, एक्स एक्सिस में डिस्टेंस है, आर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर देख सकते हो। तो ये टॉ जो है वो किधर मिलेगा हमको, टॉ मिलेगा जेड एक्सिस में, जेड एक्सिस किधर होगा, इसके जस्ट वर्टिकल, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसके ऊपर जस्ट इस तरीके से मिलेगा, मतलब बोल सकते हो कुछ इस तरीके से,
दिस इज द जेड एक्सिस, मतलब यही एक्सिस में आपको क्या मिलने वाला है, टॉर्क मिलने वाला है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि यदि एक्स वाई में दो कंपोनेंट, मतलब दो कंपोनेंट आपको दिख रहा है, तो तीसरा कंपोनेंट में क्या मिलेगा आपको, डायरेक्शन। तो यहाँ पे बोल सकते हो आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के, कुछ इस तरीके से। तो डायरेक्शन ऑफ जो आपका यहाँ पे टॉर्क होगा वो कौन सा एक्सिस में हो जाएगा, जेड एक्सिस में हो जाएगा। मतलब इस तरीके से बोलो कि दोनों के परपेंडिकुलर होगा। जिस तरीके से एक स्क्रू को यदि हम कहीं पे मतलब किसी में फिक्स करते हैं स्क्रू को, तो स्क्रू किधर जाता है, अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ आता है। ठीक है, तो वही हमारा टॉर्क का डायरेक्शन होगा, एक तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पे। बट टॉर्क वहाँ पे एप्लीकेबल तो नहीं हो रहा। टॉर्क हमारा यदि विंडो की बात करें, मतलब सॉरी डोर को ओपन या क्लोज करने की बात करें, तो वहाँ पे देखते हैं किस तरीके से टॉर्क हमारा लग रहा है, उसको समझते हैं। देखो मान लो ये है, इस पर कुछ इस तरीके से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो गया ना। तो ये क्या है, दिस इज द डिस्टेंस और दिस इज द फोर्स, ये चीज़ है। तो ये जो है सो, जब इस पर फोर्स लगेगा तो ये क्या होगा, ऐसे रोटेट होगा ना, ऐसे रोटेट होगा। तो टॉर्क किधर लगेगा बोलोगे, टॉर्क किधर लग रहा है, टॉर्क का डायरेक्शन किधर है, तो टॉर्क का डायरेक्शन आपको हिंज के पास पता चलेगा, या तो अप की तरफ या तो फिर डाउन की तरफ, या तो अप साइड या फिर डाउन साइड। जहाँ से एक्सिस, मतलब जहाँ पे एक्सिस फिक्स है, जिस जगह पे फिक्स एक्सिस है, उस जगह पे आपको पता चलेगा इसका डायरेक्शन, या तो एक्स मतलब अप 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 में होगा या फिर डाउन में होगा, क्योंकि हम एक्स और वाई को फिक्स कर चुके हैं ऑलरेडी। एक्स में डिस्टेंस है और वाई में हमारा क्या है, फोर्स है। तो आपको जेड एक्सिस में क्या मिलेगा, टॉर्क मिलेगा। ठीक है, मतलब हिंज में आप देखिएगा थोड़ा सा डिफरेंस कुछ दिखेगा आपको, अप और डाउन का। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। या फिर और दूसरा एग्जांपल बताते हैं, सबसे बेटर होगा बोल्ट वाला। कोई बोल्ट को यदि गाड़ी में लगाया जाता है, सेट किया जाता है, ट्रक के बोल्ट एग्जांपल ले लेते हैं वही, कि मान लो एक बोल्ट है, इसको फिक्स किया जा रहा है, और यहाँ पे ये रेंच है, इससे इसको कस रहा है। तो कसने के लिए इसको यहाँ पे फिक्स किए हम लोग, तो फिक्स किए, तो इस पर फोर्स कुछ इस तरीके से अप्लाई किया जा रहा है, ये मेरा डिस्टेंस हो गया। तो नट या तो बाहर आ रहा है या फिर अंदर जा रहा है, नट का बाहर आना या अंदर जाना, वही क्या है, वही डायरेक्शन ऑफ टॉर्क है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ठीक है, तो नट का मूवमेंट, नट का अप और डाउन होना किस पर डिपेंड करेगा, फोर्स पर या फिर डिस्टेंस पर, वो दोनों पर डिपेंड करेगा। बट यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे बोल सकते हैं कि हम फोर्स को ना चेंज करके यदि डिस्टेंस को चेंज करें, तो टॉर्क पर इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिस्टेंस को चेंज करने से ही इफेक्ट पड़ेगा, दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा। मतलब टॉर्क इज डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, फर्स्ट वन फोर्स एंड अदर वन इज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कुछ इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। तो एक टॉर्क का इतना इंपॉर्टेंस रोल है, जो कहाँ कहाँ देखें, कहाँ कहाँ हम लोग अप्लाई किए, और कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो क्या क्या हम लोग रीड किए इसमें, टॉर्क में टॉर्क इज़ द फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो हम लोग डोर को ओपन और क्लोज करने में बहुत सारा जगह में टॉर्क एक्चुअली अप्लाई होता है। ठीक है, और बोल्ट नट बोल्ट, वैसे ये बोल्ट वाला भी तो आप बहुत देखे होंगे एग्जाम्पल, इस तरीके से नट को कसना, नट को यदि कसते हैं तो वहाँ पे टॉर्क जो है सो अंदर की तरफ होता है, डाउनवर्ड साइड, और वही यदि हम उसको ओपन करते हैं तो अप साइड आता है ना। तो अब क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज में क्या होगा, तो तुम खुद प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। ओके, तो ये चीज़ है। तो टॉर्क जो है सो अप और डाउन आपको रिजल्टेंट में मिलेगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कपल, क्योंकि टॉर्क का काम ख़त्म। अब टॉर्क के जैसा ही एक और चीज़ हम लोग रीड करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कपल। वो क्या चीज़ होता है वो भी देखो, कपल, CUPLE, कपल। इसको थोड़ा सा, इसको भी एक तरीके से टॉर्क हम लोग बोल सकते हैं, बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि यहाँ पे दो फोर्स अप्लाई होता है, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग पेयर ऑफ फोर्सेस। तो कपल को यदि डिफाइन करने के लिए बोला जाए, तो डायरेक्ट आप लिखोगे पेयर ऑफ फोर्सेस एक्ट्स ऑन द बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन। पेयर ऑफ फोर्सेस एक्ट्स ऑन द रोटेटिंग बॉडी, या तो बॉडी लिखो डायरेक्ट, ऑन द बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन,
इन अपोजिट डायरेक्शन। अब बट कैसे, किस तरीके से इसमें अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा उसको समझना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। कि मान लो ये है ऑब्जेक्ट हमारे पास, ये पेन ही है, पेन को ही लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल में, ये पेन है और इसमें क्या करते हैं, दो फोर्स अप्लाई करते हैं, बट दोनों एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे हो सकता है पॉसिबल अपोजिट डायरेक्शन में? तो देखो, यदि मैं बोलूँ कि 20 न्यूटन हम फोर्स इसको, इस पर हम इधर से लगा रहे हैं, इधर मतलब किधर जा रहा है, अप साइड, और 20 न्यूटन फोर्स हम लगा रहे हैं इधर डाउन, इसमें इधर से लगा रहे हैं। ये देखो, थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे इस पर फोर्स हम लगा रहे हैं डाउनवर्ड, इधर डाउनवर्ड लगा रहे हैं और इस साइड लगा रहे हैं अपवर्ड। तो दोनों कंडीशन में आप क्या देखोगे कि यदि दोनों साइड का मैग्नीट्यूड सेम है तो 100% ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, रोटेट होगा। क्योंकि यदि मैं इसको यहाँ पे उसी तरीके से स्केल लूँ, यहाँ पे पिन मतलब होल कर दूँ, लो इसको हम डायग्राम से आपको समझाते हैं, कुछ इस तरीके से स्केल ले लो, एक तो बेटर बेटर होगा आपको समझने के लिए। यहाँ पे होल करो, एक पिन यहाँ पे फिक्स कर दो और ये मूवेबल हो जाएगा अच्छे से। अभी आप क्या करो, एक फोर्स लगा दो यहाँ से, तो लाइन ऑफ फोर्स किधर, मतलब अप साइड इसका फोर्स यहाँ पे हो रहा है एफ, और एक फोर्स इसके जस्ट अपोजिट, ये ऊपर की तरफ है ना, तो इधर क्या लगेगा, नीचे की तरफ, लाइन ऑफ एक्शन जस्ट अपोजिट। मतलब ये भी मान लो 10 न्यूटन है, इधर भी हमारा क्या लग रहा है, 10 न्यूटन फोर्स। दोनों जगह फोर्स सेम लग रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। यदि ऐसा कंडीशन आता है तो वैसे कंडीशन को ही हम लोग कपल बोलते हैं। अब बोलोगे कि ऐसा कहाँ पे होता है, किस जगह के लिए अप्लीकेबल होता है? तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि किसी डब्बा का ढक्कन खोलते हैं हम लोग ना, तो ढक्कन को जब ओपन करते हैं तो वहाँ पे फिंगर देखना, दो जगह पे आपका फिंगर कुछ इस तरीके से, एक फिंगर से किसी ढक्कन को खोल सकते हो क्या? नहीं खोल सकते हो। यदि किसी मतलब किसी भी डब्बे के कैप को खोलना होता है आपको, या तो बोतल के कैप को खोलना होता है, तो वहाँ पे दो फिंगर का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक फिंगर हमारा अप की तरफ फोर्स लगाता है, दूसरा फिंगर किधर लगाता है, डाउन की तरफ फोर्स लगाता है, ऐसे ऐसे। तो यही तो कपल हो गया ना, कपल मतलब दो दो फोर्स एक दूसरे के अपोजिट, तब जाकर के वो क्या होता है, ओपन होता है, ठीक है। तो मेरा फोर्स यहाँ पे भी, टॉर्क जो अप्लाई होगा वो टॉर्क कुछ अलग तरीके से, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, बट कंडीशन क्या होगा उस चीज़ को समझो। इसको यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे जो टॉर्क होगा, टॉर्क फॉर कपल, मतलब कपल के लिए जो टॉर्क यहाँ पे अप्लाई होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स तो दोनों के लिए एक, कोई एक फोर्स को ले लेना है, ठीक है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, मतलब कंडीशन यहाँ पे ये है ना कि इसके बीच जो डिस्टेंस होगा, मान लो इसके बीच डिस्टेंस कुछ है, मान लो 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर है, चलो 5 मीटर डिस्टेंस ले लिया है। तो एक्चुअल में क्या है ना कि यदि तुम यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो इस जगह से फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो इसका ओरिजिन यहाँ पे है, और यदि यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो इसके लिए ओरिजिन यहाँ पे है, इस तरीके से आपको रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा। मतलब दोनों फोर्स के बीच के डिस्टेंस को यहाँ पे लेना है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्स कितना है, 10 न्यूटन, किसी एक फोर्स को लेना है, दोनों तो सेम ही फोर्स है ना, 10 न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कितना हो जाएगा, 5, दोनों के लिए तो 5 ही है, तो दोनों के लिए डिस्टेंस भी देख ही ले रहे हैं, तो 5 मतलब कितना हो जाएगा, 10 × 5 50 न्यूटन मीटर, ये चीज़ आ गया आपका यहाँ पे टॉर्क, ठीक है। तो ये कपल का टॉर्क हो गया 50 न्यूटन मीटर, तो ये हो गया कपल के लिए, ठीक है। कपल का एग्जाम्पल भी आप समझ गए, और कपल में किस तरीके से हम लोग अप्लाई करते हैं वो चीज़ समझ गए। अब लास्ट टॉपिक बचा है इक्विलिब्रियम, थोड़ा हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। इक्विलिब्रियम हम लोग लीनियर मोशन में पढ़ चुके हैं, बट यहाँ भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम एक्चुअल में हम लोग जानते हैं, इक्विलिब्रियम मतलब एक्स एक्सिस का फोर्स, वाई एक्सिस का फोर्स और जेड एक्सिस का फोर्स, तीनों एक्सिस का फोर्स यदि जीरो मिले, मतलब नेट फोर्स यदि जीरो मिले तो इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं हम लोग। तो उसी तरीके से यहाँ पे नेट टॉर्क यदि जीरो मिलता है, देन हम कह सकते हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऑफ द टॉर्क। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग टॉर्क के बारे में रीड करेंगे। तो यदि सबसे पहले कंपैरिजन करके रीड करना चाहो, तो कंपैरिजन करोगे तो फोर फोर्स यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे फोर फोर्स। तो फोर्स के लिए यदि मैं बात करूँ कि एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो इसमें यदि फोर्स मैं बोलूँ कि एक्स एक्सिस में इधर लग रहा है ऐसे,
पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और एक फोर्स लग रहा है पॉजिटिव एक्स एक्स एक्सिस में, मतलब नेगेटिव साइड में, और दोनों के कारण इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? समेशन ऑफ एफ एक्स हमको क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। उसी तरीके से यदि वाई के फॉर्म में इधर और इधर का बात करूं, तो यहाँ भी यदि नहीं कुछ उस पर इफेक्ट हो रहा है, तो क्या होगा? एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। उसी तरीके से एक कोई और ले लें, तो जेड एक्सिस के लिए भी क्या हो सकता है? यदि वैसे मतलब ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं है, मतलब तो वो भी जीरो होगा। मतलब नेट फोर्स यहाँ पे जो मिलने वाला है वो क्या मिलेगा? डायरेक्ट एफ वन लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू क्या? जीरो। मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में नेट फोर्स क्या मिलता है? जीरो मिलता है। ओके, तो ये कंडीशन। उसी तरीके से यदि टॉर्क के बारे में लिखना चाहते हो, तो टॉर्क भी क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे टॉर्क एक्स के लिए जीरो, समेशन ऑफ टॉर्क वाई एक्सिस के लिए जीरो, फिर समेशन ऑफ टॉर्क जेड एक्सिस के लिए जीरो। मतलब क्या? नेट टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट? जीरो। ये चीज़, तो ये चीज़ है हमारा इक्विलिब्रियम। नेट टॉर्क जहाँ पे हमको क्या मिले? जीरो मिले। ठीक है, तो यही है। और एक चीज़ इसमें, टॉर्क जो हम लोग स्टार्टिंग में टॉर्क क्रिएट किए थे, इसमें क्या है ना कि एंगल के अकॉर्डिंग आपका टॉर्क जो है वेरी करेगा। एंगल भी चेंज होगा तो टॉर्क आपका क्या होगा? चेंज होगा। तो आपको एक चीज़ माइंड में यहाँ पे रखना है कि थीटा जब 90 डिग्री होगा, तो उस समय टॉर्क आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। टॉर्क क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। और टॉर्क ज़ीरो कब मिलेगा? टॉर्क ज़ीरो तब मिलेगा जब थीटा आपको 0 डिग्री मिलेगा, या फिर 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है, एंगल के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट वन कंडीशन, टॉर्क तब ज़ीरो हो सकता है जब आपका डिस्टेंस ज़ीरो होगा, या फिर फोर्स ज़ीरो होगा। कोई एक ज़ीरो हो जाता है इसमें से, तो टॉर्क हमको क्या मिलेगा? ज़ीरो मिलेगा। मतलब दरवाज़ा है, दरवाजे को खोलना है, और खोलोगे तो आप जहाँ पे किनारे से उसको नहीं ओपन करोगे तो नहीं, किनारे से ओपन करते हो तो खुल जाता है, लेकिन जा करके जहाँ से वो फिक्स है उस जगह पे ही हम यदि उंगली से मतलब धक्का दें उस जगह से, दरवाजे खुलेंगे? नहीं खुलेंगे, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस वहाँ पे क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। इसलिए वहाँ पे टॉर्क भी अप्लाई नहीं होगा और दरवाज़ा नहीं खुलेगा, मतलब रोटेशन वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके से इसका एग्जांपल है। ठीक है, सो ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।